हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट अड्डा। भाई आ चुके हैं एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि सबसे बड़ा डर था क्लास 12 के स्टूडेंट्स का। भाई 11th में पढ़ने के बाद वापस से 12th में आप वही चीज पढ़ रहे हो, फिर भी डर है। कोई बात नहीं भाई, डर होता है क्योंकि 11th का अक्सर कोई नहीं पढ़ता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आ गए हैं एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। आज अपन बात करेंगे कि एनपीओ होता क्या है, उसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे। कल से अपन उनके अकाउंट्स पकड़ेंगे, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो भी है, आपके उन सारे अकाउंट्स को देखेंगे, फंड बेस अकाउंटिंग पढ़ेंगे एंड फाइनली एक प्रॉपर क्वेश्चन, एक नहीं कुछ प्रॉपर क्वेश्चन अपन देखेंगे जिनको यूज करके अपन एनपीओ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि एनपीओ कोई दूसरी दुनिया की चीज नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं एनपीओ में, सर आउटस्टैंडिंग इस ईयर का ऐड होगा, पिछले ईयर का माइनस होगा, अगले ईयर का माइनस होगा, कैसे करेंगे, कौन माइनस कौन प्लस। अरे जॉब शांति, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर कुछ अजूबा है, कुछ ऐसा है। हर चीज समझने की है। अगर आप मुझे दो ना कि आउटस्टैंडिंग ऊपर नीचे का, मैं न दिमाग लगाऊं कि कम होगा ज्यादा होगा, ये नहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ देख के पता लगा सकते हैं कि भाई अच्छा ये है इतना होगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये रटने की जरूरत नहीं। आउटस्टैंडिंग ऐड होना है या माइनस होना है, बड़ा सिंपल है, समझने का कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट जब अपन उसका अकाउंट पढ़ेंगे तब उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज पहले थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ी सी धीरे धीरे स्टार्टिंग अपन कर देते हैं एनपीओ की, जल्दी खत्म होगा सिंगल चैप्टर आपका, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा 4-6 वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और शुरू करने से पहले गाइस, अगर इंस्टाग्राम हमारा नया नया आया है तो भाई इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए, यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक या मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, कैसे आपको फॉलो करना है। और आप लोग जानते हैं यार, आप लोग चलाते हैं, मैंने चलाता, आप लोग ज्यादा ऑपरेट करते हैं, तो चलिए फॉलो करो बाद में। पहले अपन बात करते हैं एनपीओ की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देख, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव्स। इट्स एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। यहां इट्स एम का मतलब इट्स मेन एम है, ध्यान से समझना उस चीज को। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम काम बताता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी है, ये किस मोटिव से बनी है, कल्चरल, एजुकेशनल, रीजनल, प्रोफेशनल या सर्विस मोटिव आपको प्रोवाइड कराने के लिए बनी है। इनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपको सर्विसेज देना है। इनका मेन एम रिलीजियस एक्टिविटी करना है। इनका मेन एम एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इनका मेन एम प्रोफेशनल पर्पज के लिए है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेसिक हॉस्पिटल की बात करूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, इट इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कमाना एक मेन मोटिव नहीं है। अगर होता तो आपको 5 रुपए की पर्ची में सारी दवाइयां फ्री में नहीं मिलती उनका। हाँ, प्रॉफिट वो भी कमाते हैं, अर्निंग वो भी करते हैं, बट उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उनका मेन एम या तो सर्विस प्रोवाइड कराना है, या एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, या प्रोफेशनल, या रिलीजियस, या कल्चरल चीजें आपको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अब समझना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसलिए इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है जहां प्रॉफिट निकालना जरूरी है, जहां प्रॉफिट कमाना जरूरी है। क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता लगाओगे भाई कितना प्रॉफिट हुआ, और उससे ये हम पता लगा लेंगे एक्सपेंडिचर कहां जाता है, कहां हम बचाएं। बट एनपीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये पीएनएल अकाउंट जो है, या ट्रेडिंग अकाउंट, या ये सारे अकाउंट जो है वो नहीं बनते हैं। बैलेंस शीट ऑल तो इसमें भी बनती है ताकि अकाउंट जो है वो टैली करें, बट पीएनएल या ट्रेडिंग की जगह दूसरे जो अकाउंट बनते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो सारे अपन दोनों तीनों अकाउंट जो है उसको भी रीड आउट करेंगे। आगे इस एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइड कराना है। प्रॉफिट तो अर्न हो जाता है, देखो नॉट, एक चीज समझ लो, यहां प्रॉफिट का मतलब है कि आप पैसा कमाने के लिए काम नहीं करो, सर्विस देने के लिए काम कर रहे हो। ऑल्दो आप पैसा कमा रहे, क्योंकि देखो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी चलना तो पड़ेगा, उसके भी स्टाफ को तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, डॉक्टर्स को तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, उस चीज में तो पैसा खर्च होगा ना, तो वो पैसा कहां से आएगा। तो वो पैसा भी आता है डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो पैसा जनरेट भी होता है, बट द मेन थिंग इज दैट कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी,
बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है और बाकी सारे ऑब्जेक्टिव चलते रहते हैं। इसका प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव जो है सबसे पीछे है और बाकी सारे ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे आगे। बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ फीचर्स। पहला एंटिटी, भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो अकाउंट अड्डा 11वीं क्लास भी आ चुका है। तो भाई सेपरेट लीगल एंटिटी पहली कॉन्सेप्ट है कि ये बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे भी ये है कि ये बिल्कुल एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करती है, इसका अलग स्ट्रक्चर है, अलग तरीके से काम होता है, ये अपना थप्पा लगा के बाकी सारी डीलिंग करता है, कोई एक पर्सन नहीं है जो इसको रिप्रेजेंट करे। पर्पस क्यों बनाया जाता है, द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मिंग या ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू फर्दर फॉर कल्चरल एजुकेशनल रीजनल प्रोफेशनल एंड पब्लिक सर्विस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कल्चरल एजुकेशनल रीजनल प्रोफेशनल या पब्लिक सर्विस मोटिव को आगे बढ़ाया जाए या उन सबको पूरा किया जाए, ये इसका मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर्मेशन या फॉर्म, ये बनाया जाता है एज अ सोसाइटी, एज अ ट्रस्ट, ठीक है ना, एज अ ट्रस्ट, ट्रस्ट की तरह ये काम करता है, ट्रस्ट की तरह ये बनता है, ठीक है ना। तो ये सेल्फ सर्विस का काम है, सेल्फ सर्विस मतलब खुद सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है भाई, ये ट्रस्ट की तरह जो है आपका काम करता है। नॉन प्रॉफिट मोटिव और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट कि ये नॉन प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, ये प्रॉफिट कमाना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑल दो प्रॉफिट जनरेशन होता है इसके अंदर भी, बट प्रॉफिट कमाना इसका कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट किया जाता है वाया ट्रस्टीज, ट्रस्टीज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ट्रस्टीज हुए, मैनेजर्स हुए, वो लोग इसको मैनेज करते हैं, उसी तरीके से सारा काम जो है वो चलता है। द थिंग इज दैट इसका देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस इतना होता है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए सारे काम करती है, ये सर्विस देने के लिए सारे काम करती है, तो इसका मैनेजमेंट वाया ट्रस्टीज किया जाता है। फंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फंडिंग कहां से मिलती है। अब भाई देखो आप प्रॉफिट कमा नहीं रहे हो, 5 रुपए की पर्ची में लोगों को दवाइयां भी दे रहे हो, उनका इलाज भी कर रहे हो, डॉक्टर को फीस भी देनी है, स्टाफ को पैसा भी देना है, बिजली का खर्चा भी देना है, सारे काम करने, तो इनकी जो फंडिंग होती है वो होती है वाया डोनेशन। सबसे मेन सोर्स होता है इनका डोनेशन। और अगर कुछ क्लब वगैरह है, हॉस्पिटल की बात नहीं कर, क्लब्स वगैरह है, तो वहां आप मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिले। तो सब्सक्रिप्शन हो गए, डोनेशन हो गए, कुछ कैंप्स हो गए, इनके थ्रू आप जो है इनको फंडिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। हम कहते हैं हॉस्पिटल में डोनेशन दे दो, तो वो डोनेशन इसलिए क्योंकि वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, वो सर्विस देने के लिए काम कर रहा है, तो हम उसको फंड कर सकते हैं, उसकी फंडिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डोनेशन। डोनेशन भी दो तरीके की होती है, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होती है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है कि सिर्फ वो उसी में लगेगी, इधर उधर कहीं नहीं लगेगी। जनरल डोनेशन कि आपने बस दे दिए 1,00,000 रुपए, बोले सर ये रख लो, अब आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों केसेस में बिल्कुल अलग होता है, एक आपका एसेट्स की तरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह या कैपिटल रिसीप्ट की तरह काम करता है, एक आपका डे टू डे रेकरिंग रिसीप्ट की तरह काम करता है। उसको जब अपन अकाउंट पढ़ेंगे ना, आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तब उसके बारे में अपन बात करेंगे। अकाउंट्स, कौन से खाते बनाए जाते हैं। अब भाई क्योंकि ये प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव को लेकर नहीं चलता, तो इसमें पीएनएल का खाता तो बनेगा नहीं, सीधी से बात है, पीएनएल का खाता बनाने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेशन का काम कर ही नहीं रहा। तो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग की अकाउंट की जगह यहां बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट जो होती है वो आपकी एज इट इज चलती है, बैलेंस शीट में कोई भी चेंज नहीं आता, बट यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नई नवेली की तरह, नई नवेली दुल्हन की तरह देखने को मिलेंगी कि भाई पहले कभी नहीं देखी, सर ये क्या है, कैसे होगा। तो वो नई नई चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। गाइस देखो क्योंकि प्रॉफिट जनरेशन नहीं है, तो इसमें वो सारे काम नहीं होंगे जो कि नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अब तक आपने पढ़े हैं, जो कि पार्टनरशिप में पढ़े हैं, जो कि आपने शेयर्स में पढ़े हैं। बट एज अ नॉन प्रॉफिट मोटिव इसके अंदर कुछ और काम होते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है, डोनेशन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे कहां पे, जब हम इसके अकाउंट पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको सिर्फ ये समझाने को थी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी दुनिया के खिलाड़ी नहीं है, इसी दुनिया के खिलाड़ी हैं, बट फर्क इतना है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने हैं, इसलिए उनकी एक्टिविटीज थोड़ी सी डिफर करेगी किन से, उन लोगों से जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं। ठीक है।
ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करा थी, पार्ट वन आज समाप्त हो गया है, कल पार्ट टू लेके आएंगे जिसमें पढ़ेंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कि उसके अंदर किस तरीके से डीलिंग की जाती है, उसका नेचर, उसका फॉर्मेट और कैसे बनाया जाता है और क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है पिछले साल, आने वाले साल, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, जो भी है वो सारी चीजें आपको कल की वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ समझाएंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम ओनली एन अकाउंट चड्डा। मोर ओवर भाई 11th क्लास में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो 11th क्लास की भी सारी वीडियोस अवेलेबल हो रही हैं, रोज के 4 बजे आ जाती है। तो भाई आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग अकाउंट चड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड